पोर्नोग्राफी फिल्म रैकेट मामले में राज कुंद्रा और उनकी पत्नी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच के निशाने पर पंजाब नेशनल बैंक का वो है बैंक अकाउंट जो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने मिलकर खोला। इस अकाउंट में करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं। क्राइम ब्रांच को शक है कि हॉटशॉट ऐप और बोली फेम ऐप से होने वाली कमाई को इस अकाउंट में भेजा जाता था। जांच में पता चला है कि ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं होते थे बल्कि इनडायरेक्टली अलग अलग अकाउंट्स के जरिए ये पैसा भेजा जाता था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इसे टेक्निकल भाषा में प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन की मॉडस ऑपरेटिंग कहा जाता है। बता दें कि 23 जुलाई को जब क्राइम ब्रांच की टीम ने शिल्पा शेट्टी के घर पर छापा मारा था तब भी उनसे इस बारे में पूछताछ की गई थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस अकाउंट में हुए ट्रांजेक्शन की जाँच कर रही है। इसके अलावा इसी पंजाब नेशनल बैंक में राज कुंद्रा का एक और अकाउंट है जो सिर्फ उनके नाम पर ही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि साल 2016 से इस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, यहां तक कि इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं किया गया। जान लें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो पोर्नोग्राफी फिल्म रैकेट में शामिल है। उन्होंने कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाई और ऐप के जरिए उन्हें अपलोड किया। इस खबर को सुनकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।